गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 में वीडियो का पांचवा भाग देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमें श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। देखिए, पिछले खंड में हमने 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बनिक यौगिक मीथेन, इथेन और प्रोपेन की चर्चा की थी। आज हम इन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कार्बन श्रृंखलाएं 1 से 10 नहीं बल्कि असंख्य हो सकती है, हो सकता है कि आप उसे गिन भी ना पाए। तो आज हम कुछ कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे और कुछ सूत्र पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास 3 कार्बन श्रेणी होती है। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्काइन और तीसरा होता है एल्कीन। डियर स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे एल्केन की। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इसको लिखना भी है। एल्केन का परमाणविक या कहा जाए तो संरचना, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एल्केन का संरचना सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है इसका संरचना सूत्र? CnH2n+2। तो देखिए स्टूडेंट, अगर एक परमाणु रहे तो एल्केन में आप पढ़ेंगे मेथ, 2 रहे तो आप पढ़ेंगे एथ, 3 रहे तो आप पढ़ेंगे प्रोप, 4 रहे तो आप पढ़ेंगे ब्यूट, 5 रहे तो आप पढ़ेंगे पेंट, 6 रहे तो आप पढ़ेंगे हेग्ज, 7 रहे तो आप पढ़ेंगे हेप्ट, 8 रहे तो आप पढ़ेंगे ऑक्ट, 9 रहे तो आप पढ़ेंगे नॉन और 10 रहे तो आप पढ़ेंगे डेक। क्या पढ़ेंगे? डेक। अब हम ये तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे आप पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम एल्केन श्रेणी में आप पढ़ेंगे तो एक कार्बन परमाणु होगा तो आप उसमें एन जोड़ देंगे। जैसे देखिए, आप पहला है मेथ, मेथ में आप एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। एथ में एन जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? एथेन। प्रोप में जोड़ेंगे तो प्रोपेन। एन प्रत्यय जोड़िए, ठीक है? कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? एन प्रत्यय। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्जेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन। एन जोड़ते चले जाइए और नाम लिखते चले जाइए। नोनेन। और दसवां है डेकेन, ठीक है स्टूडेंट? चलिए अब हम अणु सूत्र बनाएंगे। देखिए, हमारे पास सूत्र क्या है? CnH2n+2। चलिए आप मीथेन का अणु सूत्र बनाइए। मीथेन, मीथेन में कार्बन की संख्या कितनी? 1। कितनी है? 1। तो n बराबर होता है, n बराबर होगा, n बराबर होगा कार्बन की संख्या, ठीक है? तो जहां जहां n है वहां देखिए c बराबर 1 है, 1 कार्बन है इसमें। तो मीथेन का अणु सूत्र आपका हो जाएगा मीथेन बराबर
कार्बन बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू, तो सी वन एच टू इन टू वन प्लस टू, तो सी दो एकम दो प्लस दो सी एच फोर, मिथेन क्या हो जाएगा सी एच फोर। इसी प्रकार से आप सबका अणुसूत्र लिखेंगे स्टूडेंट, मिथेन क्या हो जाएगा सी एच फोर, और सब में सी एच टू जोड़ते चले जाइए, क्या जोड़ते चले जाइए सी एच टू। तो इथेन क्या हो जाएगा सी टू एच सिक्स, प्रोपेन को हो जाएगा सी थ्री एच एट, ब्यूटेन को हो जाएगा सी फोर एच टेन, पेंटेन को सी फाइव एच ट्वेल्व, और हेक्जेन का हो जाएगा सिक्स सिक्स एच फोर्टीन, हेप्टेन का सी सेवन एच सिक्सटीन, ऑक्टेन का सी एट एच ट्वेंटी, नोनिन का सी नाइन एच ट्वेंटी टू, और डेकेन का सी टेन एच ट्वेंटी फोर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं अणुसूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप अणुसूत्र ऐसे लिखेंगे तो देखिए, अब हम बात करते हैं एथेन। एथेन में एन बराबर कितना होगा, टू होगा। फॉर्मूला क्या, सी एन एच टू एन प्लस टू, एन की जगह पर दो रख दीजिए, टू इंटू टू प्लस टू, ठीक है, सी टू एच फोर प्लस टू सी टू एच सिक्स। आपका एथेन का सूत्र क्या मिला स्टूडेंट, सी टू एच सिक्स मिला, और आपने किताब में क्या देखा है, देखिए आप देख रहे हैं सी टू एच सिक्स। इसी प्रकार से आप अगर प्रोपेन का निकालेंगे, मान लीजिए हम प्रोपेन का निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन प्लस टू, प्रोपेन का कितना होता है एन बराबर चार, तो आप सी के जगह चार रखिए, दो गुणे चार प्लस दो, तो सी फोर आठ प्लस दो, तो क्या हो जाएगा सी फोर एच टेन। ये देखिए आप कैसे निकला यहाँ पर सी फोर एच टेन हुआ कि नहीं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं अणुसूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक कार्बन होगा तो मिथेन, दो कार्बन इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, चार कार्बन ब्यूटेन, पांच पेंटेन, छह हेक्सेन, सात हेप्टेन, आठ ऑक्टेन, नौ नोनेन और दस डेकेन होगा। और जब आप इसकी संरचना बनाएंगे तो स्टूडेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ आप बना रहे हैं पेंटेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, पेंटेन अणुसूत्र क्या होगा सी फाइव एच टेन, तो आप क्या कीजिए पांच बार कार्बन लिखिए, एक दो तीन चार और पांच लिख दिए, एक दो तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, नौ हाइड्रोजन, दस हाइड्रोजन, ग्यारह हाइड्रोजन और ये बारह हाइड्रोजन। देखिए सी फाइव एच ट्वेल्व आ गया। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। देखिए किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनः विचार करें। यदि हम चार कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि दो विभिन्न प्रकार के कार्बन कंकाल बन सकते हैं। तो देखिए अब हम किस पे बात कर रहे हैं, ब्यूटेन पर। देखिए ब्यूटेन पर हम कार्बन कंकाल बना रहे हैं। ब्यूटेन क्या है, एक दो तीन चार, ऐसा श्रृंखला है ये क्या है, श्रृंखला में है। तो चलिए अब हम इसका वलय भी बनाएंगे, देखते हैं वलय कैसे बनता है। देखिए दो प्रकार का श्रृंखला बनेगा, देखिए एक ऐसा बनेगा और एक को आप ऐसा बना सकते हैं, एक कार्बन के ऊपर दो कार्बन, ठीक है बन गया। चलिए हम देखते हैं कैसे सा कार्बन कंकाल बनेगा। देखिए स्टूडेंट दो श्रृंखला बना, चलिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक कार्बन दो तीन चार, हाइड्रोजन जोड़िए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, बन गया। ये क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का सूत्र सी फोर एच टेन मिल गया आपको, सी फोर एच टेन। देखिए अब इसी को हम दूसरे तरीके से इसका बनाते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन एक, कार्बन एक, इस पे कार्बन, इस पे कार्बन जोड़िए, एक दो तीन, ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, चार पाँच छ और सात आठ नौ और दस, देखिए तीन तीन छः सात और तीन दस, ठीक है। देखिए दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन ये ऐसे बना है ये ऐसे बना है। अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे हम समावय कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि समावयता किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र
भिन्न भिन्न हो तो हम उसे समवायता कहते हैं। समझ में आया? देखिए C4H10 दोनों में अणु सूत्र था कि नहीं, लेकिन देखिए एक में संरचना सूत्र ऐसा है, इसमें एक में संरचना सूत्र ऐसा है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।